आइए आज हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की स्मार्ट सड़कों का हाल। कहने को तो महानगर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर धरातल पर देखा जाए तो अभी तक यहाँ की सड़कें ही स्मार्ट नहीं बनाई जा सकी हैं। विकास की तो बात क्या करें, मुरादाबाद में विकास तो हुआ है, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कों का विकास हुआ है। महानगर मुरादाबाद में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ ये सड़कें ना हों। आइए आज हम आपको दिखाते हैं महानगर मुरादाबाद के कुछ क्षेत्रों के गड्ढा युक्त सड़कों की कुछ तस्वीरें। ये हाल तब है जबकि नगर आयुक्त संजय चौहान ने दीपावली से पहले टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए क्षेत्र के जरिए अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कराने के लिए निर्देश दिए थे और रिपोर्ट मांगी थी। आखिर ऐसा क्या सर्वे किया गया जिसके चलते अभी तक महानगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है। समस्या है, चालने वाली गाड़ी पलट जाती है यहाँ पर और ये गड्ढे हो रहे हैं, उधर में रास्ता बंद कर देते हैं वो उधर से हमें बहुत दिक्कत होती है गाड़ियों में। लगभग कितना समय हो गया इस गड्ढों को? 1 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर लोग सड़क, जबकि ये जरा सा टुकड़ा है, इसे सही नहीं कर पा रहे लोग। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ के लिए? अब तक कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? यहाँ पे एक रिक्शा फंस गया था चार्जिंग वाला और वो निकल नहीं पा रहा था, हम दोनों ने उसे निकलवाया। अभी आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लोजर ना पलट जाती, पलटने से रहेगी गाड़ी। हाल ही में अमरोहा गेट से कटरा बाजार तक टूटी पुलिया में गिरकर कई लोग घायल हुए। साथ ही टाउन हॉल, चौराहा, बाजारगंज, कोल्ड रोड, स्टेशन रोड, गांधीनगर, रामपुर रोड, प्रिंस रोड और यहाँ तक कि रामपुर रोड, इन सभी व्यस्त सड़कों का यही हाल है। आप देख सकते हैं कि इन गड्ढा युक्त सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। ये सड़कें स्टेशन रोड, बुध बाजार चौक, गुलजारी मल, धर्मशाला रोड, ताड़ीखाना, कोट रोड से ही गुजरती हैं, लेकिन लोगों का हाल बुरा कर देती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर नगर निगम का कार्यालय भी है और ये सड़क यहाँ भी कुछ ऐसी ही है। देख रहे हैं आप, रोजाना हादसे हो जाते हैं, रोजाना हादसे हो जाते हैं और सारे अधिकारी रोड में गुजरते हैं। हादसे का कारण क्या है? किस कारण से हादसे हो रहे हैं? जरा सा टुकड़ा है, उधर से रास्ता बंद कर रखा है और सारे ट्रैफिक इधर को घूम के जब निकलता है तो जरा इधर टुकड़े में इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। ये लोग बाइक वाले खींच चुके हैं, मोटरसाइकिल और आपके मिनी मेट्रो इतनी पलट चुकी है और एक बच्चे का हाथ टूट गया है यहाँ पे। और कितना समय हो गया लगभग इसको? तो मेरे ख्याल से साल भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसको सही नहीं कराया गया है। ना कोई सुनवाई नहीं है और लोग देखते हैं, जाते हैं, कई बार वीडियो बना के हमने भी सोशल मीडिया पर करा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि बस ये जरा सा टुकड़ा सही हो जाए और हमारे मुरादाबाद जब से स्मार्ट सिटी में आ गया है और स्मार्ट सिटी का ये हाल होगा तो बताओ कैसे होगा। जितने भी हमारे मेयर साहब हैं, विनोद अग्रवाल साहब, वो ऊपर को ब्रिज हाईवे को निकल जाते हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब ऊपर को निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से, जैसे इस समय योगी सरकार ने 15 तारीख तक के लिए कहा गया है कि पूरा गड्ढा मुक्त हो जाएगी, तो क्या कारण है क्यों गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही इस बार? नहीं, योगी बाबा जी तो काम बढ़िया कर रहे हैं। अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उन्होंने सभी बेहतर किए, मगर आधा अधिकारी जो है कुछ लापरवाही है उनकी और कुछ पब्लिक की भी लापरवाही है। तो पब्लिक की क्या लापरवाही है इसमें? पब्लिक ये है कि मतलब गलत गाड़ी चलाना, ये वो ओवर। आज का भी आप नज़ारा देख लीजिए, इन पर वाहन चालक तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। लोगों का कहना है कि अनेकों बार यहाँ पर शिकायतें की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी कब तक इस ओर ध्यान देते हैं और गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा करते हैं।